Have a nice day to all of you, dear viewers. Dear viewers, संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर तथा व्यंजन के विषय में हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वप्रथम हमें 14 माहेश्वर सूत्र तथा 42 प्रत्याहारों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है, यदि हम संधि भली प्रकार समझना चाहते हैं तो। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार के विषय में जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण में अच का क्या अर्थ होता है और हल का क्या अर्थ होता है। डियर व्यूवर्स, मैं शालिनी, आपकी दोस्त और होस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक एवं ज्ञान वर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना डमरू 14 बार बजाया, जिसमें से 14 प्रकार के ध्वनि समूह निकले, जो कि 14 माहेश्वर सूत्र या शिवा सूत्र कहलाए जाते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण के आधार हैं। इन्हीं से निर्मित प्रत्याहार रूपणी संज्ञाओं की सहायता से महर्षि पाणिनि ने सूत्रों का प्रणयन करके अति अल्प और स्पष्ट शब्दों में समग्र व्याकरण नियमों को सहज तथा सरल रीति से प्रस्तुत कर दिया है। डियर व्यूवर्स, 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुरू के 4 सूत्रों में 9 वर्ण स्वर हैं। ये वर्ण हैं अ, ई, उ, रि, लृ, ए, ओ, ऐ और ओ। शेष 5वें सूत्र से 14 सूत्रों में 33 वर्ण व्यंजन हैं, जिन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रकार पहले सूत्र में पहले स्वर से यानी अ से लेकर 4थे सूत्र के च तक अच अर्थात स्वर कहे जाते हैं और 5वें सूत्र के ह से लेकर 14वें सूत्र के ल तक हल अर्थात व्यंजन कहे जाते हैं। डियर व्यूवर्स, हिंदी तथा संस्कृत व्याकरण के स्वर तथा व्यंजनों का निर्माण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा होता है। प्रत्येक प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ण को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। डियर व्यूवर्स, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने का अपना एक तरीका है। अ, ई, उ, न इत्यादि सभी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंत में पठित श, क आदि समस्त वर्णों की पारिभाषिक इत संज्ञा होती है, जिससे इनका लोप हो जाता है अर्थात ये लुप्त हो जाते हैं। वर्ण परिगणना में यानी वर्ण को गिनने में इनका समावेश नहीं किया जाता अर्थात वर्ण गिनने में ये नहीं गिने जाते। इनका उपयोग केवल प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए ही होता है। इस प्रकार अण प्रत्याहार के निर्माण तक ही न का उपयोग है, वर्णों के गिनने में इनका कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार अण से अ, ई, उ का ही बोध होगा, ण का नहीं। इसी प्रकार अन्य सूत्रों में भी अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है अर्थात अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है। डियर व्यूवर्स, तो आज हमने जाना कि संस्कृत भाषा में व्याकरण के अंतर्गत अच तथा हल का क्या अर्थ होता है। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्याहारों की तालिका के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।